हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशन क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर बी आई दट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शंस तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं सेंट्रल बैंक के अलावा इसे एपेक्स बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है इसके अलावा सेंट्रल बैंक या आर बी आई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री के पूरे इंडियन इंडियन कंट्रीज़ के जितने भी बैंक हैं सबको कंट्रोल करता है सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है और पूरी कंट्री के मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके सेटअप की तो आर बी आई कमीशन आर बी आई वॉज सेटअप बाय द हिल्टन यंग कमीशन एंड द एक्ट वॉज पासड इन दर नाइनटीन थर्टी फोर प्रोवाइडिंग ऑल द स्टेटरी बेसिक फंक्शंस ऑफ़ बैंक कि बैंक कैसे चलना चाहिए बैंक के क्या फंक्शंस होने चाहिए ये सब बताया गया था एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर में लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है एक्चुअली ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे सारे वर्किंग स्टार्ट हो गया था फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी फाइव के बाद पहले ये प्राइवेट स्टेक होल्डर था लेकिन बाद में ये नेशनलाइज्ड बैंक में कन्वर्ट किया गया एंड इट वॉज कन्वर्टेड इन टू नेशनलाइज्ड बैंक फ्रॉम फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोटी नाइन उसके अलावा कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं यहाँ पे जो कि सेंट्रल बैंक बताया गया है कि सेंट्रल बैंक इज़ वन ऑफ इज़ वन विच कॉन्स्टिट्यूट द एपिक्स ऑफ द मॉनिट्री एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एक सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मॉनिट्री और बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है पूरी कंट्री के मॉनिट्री और बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाला बैंक सेंट्रल बैंक वहीं पे सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट इट इज़ कंट्रोलिंग क्रेडिट फॉर होल कंट्री तो ये कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे बताई गई हैं आइए देखते हैं कुछ फंक्शंस जो आर के हैं सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करते हैं उस वो है इशू ऑफ करेंसी नोट आर क्या करता है आर के पास सिर्फ आर के पास ही एक ऐसा मात्र अधिकार है कि वो नोट हो या फिर कोई भी करेंसी हो कॉइन हो वो आ, पब्लिश कर सकता है मैं बोल सकती हूँ उसको इशू कर सकता है यहाँ पर हम नोट बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे वन रुपी नोट और कॉइन्स जो हैं वो आर नहीं इशू करता वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर जब भी आर करेंसी इशू करती है तो वहाँ पे कुछ मिनिमम रिज़र्व सिस्टम चलाना पड़ता है ये मिनिमम रिज़र्व सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में इसके अनुसार आर को कुछ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है अब कितनी टोटल दो सौ करोड़ अब दो सौ करोड़ रिजर्व रखने के बाद ही आर नोट इशू कर सकता है या फिर जितनी करेंसी वो इशू करना चाहता है कर सकता है एटलीस्ट वन हंड्रेड फिफ्टीन करोड़ का गोल्ड और एटी फाइव करोड़ के उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर फॉरेन करेंसी को मेंटेन करने के बाद ही आरबीआई नोट इशू कर सकता है अब हम बात करते हैं सेकेंड इसके फंक्शन के बारे में जो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट जैसे हमारे लिए हम कोई सी बैंक में जाते हैं तो हम अपना अकाउंट खोलते हैं वैसे ही गवर्नमेंट का अकाउंट आर में ओपन रहता है और सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एजेंसी का काम एडवाइजरी का, का काम आर बी आई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है इट ट्रांजेक्ट द बिजनेस फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है इसके अलावा आर बी आई गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स भी करता है उसके उसको सारे एडवाइसेस भी देता है थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो आर का थर्ड फंक्शन से बैंकर्स बैंक आर बी आई कंट्रोल ओवर द कमर्शल बैंक इसका मतलब आर सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है जो कमर्शल बैंक को फॉलो करना पड़ता है आर बैंकों का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को क्योंकि जब भी किसी बैंक कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर सकता है बैंक से लोन भी ले सकता है इस तरीके से आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक bank भी कहते हैं इसके अलावा जब हम फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं इट इज़ कस्टोडियन ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसका मतलब आर बी आई एक्ट एज़ द कस्टोडियन कस्टोडियन का मतलब रहता है जो किसी चीज़ को कस्टडी में रखता है जिसे किसी चीज़ की रक्षा करता है या रखवाला रहता है इट इज़ द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिज़र्व इसका मतलब आर बी आई के पास जितनी भी करेंसीज कंट्री में हैं सभी करेंसीज़ को वो रिज़र्व करता है और जब भी ज़रूरत होती है कमर्शियल बैंक को तो वहाँ पर वो प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे उसको करेंसी मिलती कहाँ से है उसको करेंसी मिलती है आई एम एफ से दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के थ्रू नेक्स्ट फंक्शन जो हम बात करेंगे आर बी आई का वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आर बी आई एक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरे इंडिया पूरे इंडिया मतलब कि जितने भी बैंक से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं सबको कंट्रोल करता है उसका क्रेडिट कंट्रोल करता है कितना पैसा कंट्री में होना चाहिए ये सब आर बी आई भी बताता है लेकिन उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अलग अलग मेथड हैं वो मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आप इसे चेक कर सकते हैं जहाँ पे उसका नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आर बी वहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है जब हम बात करते हैं क्वान्टिटेटिव मतलब क्वान्टिटी से रिलेटेड तो उनके टूल्स हैं बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन सी आर आर ये सब मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है लेकिन जब मैं बात करती हूँ क्वालिटेटिव तो यहाँ पे पैसों से रिलेटेड नहीं बल्कि कुछ ऐसे मेजर्स जहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है कंट्री को दैट इज फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट क्रेडिट रैशनिंग मॉरल ससन ये सब सब मेथड है जहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आर इज टू कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा आर एक एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर वो सारे डाटा को कलेक्ट करता है बैंकिंग से रिलेटेड सारे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड और पब्लिकेशंस के लिए भी देता है अलग अलग मैगजीन्स में न्यूज़पेपर्स में आर सभी जितने भी बैंक हैं जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करता है उनको पैसे प्रोवाइड करता है ताकि फाइनेंशियल नीड्स जो है लोगों की पूरी हो सके दैट इज़ प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन आर परफॉर्म करता है सारे प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन जैसे कि डेवलपमेंट uh, एरिया में कहीं पर पैसे देने की बात आती हो जब भी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करने की बात आती हो एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे देने की बात आती हो तो आर सभी को प्रमोट करता है अदर फंक्शंस जो आर परफॉर्म करता है वो है क्लियरिंग हाउस ऑफ सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन द मेम्बर्स बैंक अब जब हम बात कर रहे हैं मेम्बर्स बैंक की तो दो बैंक कोई भी बैंक चाहे वो कॉपरेटिव बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो अगर उनके बीच में अगर कुछ लेन देन होती है तो उसको भी सेटलमेंट आरबीआई ही करता है इसलिए आरबीआई को हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं ये थे कुछ फंक्शंस जो मैंने आपको बताया आर के बारे में लेकिन कमर्शियल बैंक के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कॉपरेटिव बैंक्स के बारे में भी नए वीडियोस बनने वाले हैं तो होप पे स्टूडेंट्स आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो